किस तरह से ये पत्थर यहाँ पर आया है पूरा, ये देखो यहाँ से। आज हम लोग देसी बेयर ग्रिल्स बने हैं। आप लोग आवाज सुन पा रहे होंगे या नहीं पा रहे बताने, लेकिन बहुत जोर से आवाज आ रही करने की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूँ अकबर सिराज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया है कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग वहाँ पर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश थी और हवा वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसके लिए हम लोग कैंसिल किए थे प्लान। लेकिन आज हम लोग खास वहीं पर जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। वो वाटरफॉल बहुत बेहतरीन झरना है, वो आपका देख के दिल खुश हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है, तो हम लोग थोड़ा सा संभाल के जाएंगे ऊपर इंशाल्लाह। और वो जो इलाका है वो शेर का इलाका है, वहाँ पे अक्सर शेर पाए जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाएंगे। ये गाड़ी हम लोग लेके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रास्ता ख़राब है। तो हम लोग शकील साथ में आ रहा है, शकील की टू व्हीलर से हम लोग जाएंगे एक्टिवा से। और साथ में मैंने बारिश अगर आई तो ये प्लास्टिक की थैली लिया हो, ताकि फ़ोन्स वगैरह प्रोटेक्ट हो और हमारा जो गिम्बल है DJI का वो भी प्रोटेक्ट रहे बारिश के पानी से। और साथ में ये डंडा लिया हम लोगों ने, शेर वगैरह आएगा तो उसके हाथ में डंडा देके हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। और बाहर इतना प्यारा क्लाइमेट हो रखा है ना, मैं आपको बाहर उतर के भी बताता हूँ। ये देखो यार, हल्की सी धूप निकली हुई है और बादल भी छाए हुए, बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट है माशाल्लाह। जिस तरह से एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था कि आप लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और आपके दोस्त है रिश्तेदार सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी मजा उठा सके वीडियो का। हम लोग निकले हैं ऊपर की तरफ और बारिश भी रुकी हुई है, गर्मी थोड़ी सी हो रही है, पसीना छूट रहा है। बेकार है ये इस तरह से रास्ते की हालत और बेकार होगी बारिश की वजह से। और अभी हम लोग पहुंच गए हमारी बाग की तरफ। तो ये यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरा डंडा गिर गया, देखो। मैं इसलिए यहाँ पर रुका हूँ ताकि आपको यहाँ पे बता सकूँ, ये जो BSNL का टावर है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है या पता नहीं कैमरा में, ये इस तरफ शहद का छत्ता है। तो ये छत्ते ने हम लोगों को बारिश अपना आम के टाइम में काफ़ी दिक्कत दिया था। पहले के वक्त में लोग हाथ में इस तरह का डंडा लेकर चलते जाते थे और काफ़ी मतलब वक्त लगता है चलते आने में ऊपर। अभी बाइक से हम लोग फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से फ़ौरन आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से अपडेट है, अभी यहाँ पर ये पत्थर रखे हुए, अभी उनका जो सोलर प्लांट वगैरह बैठेगा BSNL टावर का, तो उसके लिए कुछ वो लोग बनाएंगे, तो अभी ये काम अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर आगे का सब प्रोसेस होके टावर स्टार्ट हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी टाइम जाएगा। इस तरह से ये जंगल हो गया पूरा, दोनों साइड से झाड़ियाँ बढ़ गई है और ये कीचड़ में से गाड़ी जा रही है। तो शकील भाई हमारे जो ना वो प्रो ड्राइवर है, तो आप भी को और गाड़ी पीछे से लिटरली लेने से घूम रही है इधर उधर वाला मोह भीती वाटते रे बाबा, इकड़ी एकदा पड़ल मैं ते वरच्या साइडला स्किट दिल होते पुढचो टायर हाँ। ये दोनों मेरे को मतलब इस रास्ते से काफ़ी डर इसलिए लगता है क्योंकि पत्थर है और अभी बारिश में कीचड़ भी थोड़ा सा हो गया है, तो गाड़ी स्लिप बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच गए उस जगह पर जहाँ से हमको जाना है झरने के पास। तो ये जो रास्ता जाता है इस तरह, वो मतलब जो गली का जो शॉर्टकट है उस तरह से जाता है, और ये हम लोग यहाँ पर राइट साइड में उतरेंगे नीचे। यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी है और डर लगता है सांप वगैरह का। आज हम लोग देसी बेयर ग्रिल्स बने हैं।
आप लोग आवाज सुन पा रहे होंगे या नहीं पा रहे पता नहीं, लेकिन बहुत जोर से आवाज आ रही झरने की। इस तरफ देखो आप लोग, यहाँ से कुछ थोड़ी थोड़ी जलती आ दिख रही है। अभी यहाँ पर हवा भी तेज हुई है, हवा भी काफी हवा थी, डर इसलिए लगता है क्योंकि लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है और दरख्त वगैरह गिरने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। झरना है बोलते हैं, और ये जो आप लोग सामने देख पा रहे इसमें हम लोग नहाने आया करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा डैम टाइप बना हुआ है पानी को रोकने के लिए, उसकी वजह से पानी का बहाव भी थोड़ा सा स्लो हो गया, वरना पानी काफी तेजी से बहता था यहाँ पर। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका बहाव काफी तेज हो जाता है, और यहाँ पर या यहाँ पर पहले एक मीठे पानी का एक ये बहता था, क्या बोलते उसको अपना एक स्रोत बहता था मीठे पानी का, वहां से हम लोग आम के सीजन में पानी वगैरह जमा करते थे, पीने के लिए काफी अच्छा था पानी। और इस इलाके में शेर भी पानी पीने के लिए आता है ऐसे हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है, और पहले लोगों का यहाँ से आना जाना होता था, काफी शॉर्टकट था, रास्ता नहीं था, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी कुछ कुछ लोग इस रास्ते को यूज करते हैं। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश आना शुरू हुई है, और ये देख सकते हैं आप लोग, तो मैंने गिम्बल को निकाल दिया हूँ और थैली में रखा हूँ ताकि अगर खराब हो गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा पूरा। यहाँ पे पहले जब लोग आते जाते थे ना तो काफ़ी जगह थी यहाँ पर, मतलब झाड़ियाँ वगैरह नहीं थी और खुला खुला था, देखने में भी बहुत अच्छा था। अभी कोई आता जाता नहीं इसके लिए खास कुछ यहाँ पर मतलब देखने लायक है नहीं, झाड़ियाँ भी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी फिसलन है, मैं गिरते गिरते बच गया, काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो गई यहाँ पर। अभी पता नहीं शेर यहाँ पर पानी पीने के लिए आता है या नहीं आता है, लेकिन अक्सर लोग पहले कहा करते थे कि शेर यहाँ पर पानी पीने आता है, और शेर है या कोई दूसरे जानवर है वो सब अक्सर पानी के करीब ही आसपास रहते हैं। ये देखो वहाँ पे बहाव देख सकते हैं पानी का, मौसम भी देखो काफी अच्छा है, बादल छाए हुए एकदम, देख लो आप लोग यहाँ पे किस तरह से ना पत्थर नीचे आए सारे, ये पहले पूरा यहाँ तक पूरा पहाड़ था पूरा ऐसा ही,
तो ये पूरा स्लाइड होके नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखो ये बड़ा पत्थर, किस तरह से ये पत्थर यहाँ पर आया पूरा, ये देखो यहाँ से। हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ रील्स बनाएंगे, कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे अच्छे अच्छे आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं बार बार फिसल रहा हूँ, काफ़ी फिसलन है यहाँ पर। इन जगहों पर आने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पानी में उतरा जाए, मस्ती की जाए, इन्जॉय किया जाए, लेकिन ये जितनी दिखती है खूबसूरत वो कब खतरे में बदली हो जाए वो कह नहीं सकते। इसके लिए बाहर रह के इन्जॉय करके वही अच्छा है। कितना पानी है ना, खूबसूरत लग रहा है बहते हुए, शांत लग रहा है एकदम। लेकिन इसका बहाव अगर तेज़ हो गया तो ये आपकी शांति को भंग कर देगा। और अभी बारिश है ना, काफ़ी ज़ोर से आई है और मैं भीग गया और गिम्बल भी भीग रहा है। मैं भागते भी जा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा दूर खड़ा है, गिम्बल झाली के नीचे आए और पूरा देखो किस तरह से पानी ये हो गया है। बारिश काफ़ी ज़ोर से आई है और हालत ख़राब हो गई। शकील यहाँ पर झाड़ियों के नीचे छुपा है और मतलब भागते भागते यहाँ पर आए। और यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा सा पानी जो है ना, मतलब बारिश का इफेक्ट कम हो रहा है। ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये थोड़ी थोड़ी हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है बारिश के पानी से। और हवा काफ़ी तेज़ है, ये देखो आप लोग। हम लोग यहाँ पर अभी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, सीधे घर के लिए निकलेंगे, रिस्की हो जाएगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और थोड़ी सी बारिश में आप लोग ये देख सकते हैं ना, बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है झरने का। बारिश एकदम से ज़ोर से आ गई और यहाँ पर रुकना भी, इस झाड़ियों के नीचे रुकना भी काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इस तरफ ये जो पत्थर है वो नीचे की तरफ आया हुआ है। ये देखो आप लोग इस तरह से ये पत्थर आया हुआ है। ये बड़े वाले पत्थर के हम लोग पीछे छुपे हुए थे, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और इस तरफ मैं आपको बताता हूँ, ये हो सकता है कि मतलब शेर के उतर के पानी पीने जाने का रास्ता हो सकता है ये वाला भी। ये देखो आप लोग इस तरह से वहाँ पर उस तरफ भी जाता है, एक इस तरफ भी इस साइड में जाता है, तो ये भी हो सकता है। काफ़ी मतलब अलग अलग जगह से हो सकता है जाता हो। यहाँ से भी देखो आप लोग उतरने के लिए पूरा एकदम मतलब अच्छा रास्ता है यहाँ से, ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। पहले ये सब इतना घना नहीं था, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से घना हो गया और बहुत डर लग रहा है यहाँ पे रुकने के लिए, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भी यहाँ से निकलेंगे। किस तरह से मैं भीग गया हूँ देखो, पूरा एकदम थोड़ा सा टी शर्ट सूखा हुआ है, बाकी पूरा भीग गया हूँ मैं, पूरा टोटल भीग गया। बारिश बहुत ज़ोर से आई और जो फोर्स है वो काफ़ी बढ़ गया है, झरने का फुल फोर्स हो गया एकदम। हम लोग जब आए थे इतना फोर्स नहीं था, काफ़ी कुछ मिनटों में इतनी बारिश लगी है। बारिश से काफ़ी भीगने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और काफ़ी बारिश काफ़ी ज़ोर से आई, काफ़ी ज़ोर से बारिश आई थी, हवा भी बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पर रुकना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। तो भाई हवा ज़्यादा तेज़ चली और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़े थोड़े जो पत्थर नीचे आए हुए, देखो ये सब पत्थर पहले ऊपर से सब नीचे आ गए, लैंडस्लाइड हो गया थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे, अभी घर पे जाएंगे और मस्त गर्मा गर्म चाय पियेंगे। वैसे तो गर्मी हो रही थी, बारिश से थोड़ा राहत मिली, अच्छा लग रहा है। पहले के लोग किस तरह से यहाँ से आते जाते होंगे, बारिश के वक्त में भी काफ़ी पानी होता था, तब भी लोग थोड़ा रास्ता बदली करके आते थे। पहले लोग काफ़ी इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, यहाँ से ही लोग आते थे और रोड्स नहीं थे तभी भी लोग ऐसे ही जंगलों में से आया करते थे। वो जो टाइम होगा वो काफ़ी स्ट्रगलिंग और मेहनत वाला टाइम था। अभी तो रोड्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, तो हम लोगों के लिए बहुत सारी सहूलत हो गई है। ये रास्ते की एक तरफ से पानी किस तरह से बह रहा है देखिए, कुछ मिनटों के लिए बारिश आई लेकिन काफ़ी ज़ोरदार बारिश थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और घर पर जाके एक मस्त की चाय पियेंगे और थोड़ा सा गर्म हो जाए। बस खोल लो, ये फिर से वही रास्ता है जहाँ पे कीचड़ है और जाने के लिए बहुत डर लगता है इस रास्ते पे। साफ कर गए जो कि समझेंगे।
गाड़ी पीछे से पूरी घूम रही है एकदम, और यहाँ पर पानी अभी भर गया पूरा। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर एक इस स्पॉट पे एक छोटी सी रील हम लोग ने शूट किए, छोटा सा एक शॉर्ट्स बनाए, कॉमेडी है थोड़ा सा, ट्राई किए, कोशिश किए कि आपको एंटरटेन करें। देखते आपको कैसा लगता है, ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और अभी जाके थोड़ी गर्मा गर्म मस्त चाय पीऊँगा और रिलैक्स हो जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ ताकि सब इन्जॉय कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।